DDS Academy, the most trusted institute in Nagpur for JEE NEET. Top faculties for all subjects, air-conditioned classrooms with projectors and CCTV, doubt sessions and study hours, regular parent-teacher meetings, 100+ tests in 2 years with discussion, consistent results for more than 30 years. What are you waiting for? The next batch of 2-year JEE NEET for 10th pass students starts on 7th April 2024. Special early bird discount till 25th March. Enroll now. For more details, call. कांग्रेस के टिकट पर रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रही रश्मि परवे के फॉर्म को चुनाव आयोग ने जाति प्रमाण पत्र के मुद्दे पर रद्द कर दिया था। अब जाति प्रमाण पत्र रद्द करने की प्रक्रिया पर तो स्टे लग गया है, मगर उन्हें लोकसभा की उम्मीदवारी बहाल नहीं हुई है। इस आधार पर परवे अब सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी लगाने जा रही है। कांग्रेस के उम्मीदवार रश्मि बर्वे को हाईकोर्ट ने उनके जाति प्रमाण पत्र को अवैध ठहराए जाने के जांच समिति के आदेश को स्टे देकर राहत दी थी, लेकिन नामांकन पत्र रद्द किए जाने की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। जांच समिति द्वारा उनके जाति प्रमाण पत्र को अवैध ठहराए जाने के बाद चुनाव अधिकारी ने उनका नामांकन रद्द कर दिया है, जिसके चलते उनके पति श्याम बर्वे उम्मीदवार है। बर्वे ने हाईकोर्ट से निवेदन किया था, चूंकि प्रमाण पत्र अवैध होने का हवाला देते हुए ही नामांकन पत्र रद्द किया गया। अब प्रमाण पत्र पर स्टे आ गया है तो उसके आधार पर हुई चुनावी प्रक्रिया पर भी रोक लगनी चाहिए। अवैध आदेश के कारण चुनाव लड़ने के संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है, लेकिन अदालत ने उनके इस दलील को ठुकरा दिया और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को याचिका दायर की है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ प्रकाश शुक्लवार की रिपोर्ट।